आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ड्यूरिंग वर्कआउट आपके ना हाथ कांपते हैं, ऐसे तो नहीं होता है बहुत से लोग हैं, या वर्कआउट के दौरान भी आपकी बॉडी कांपती है, क्या है वो रीजन? मैं आपको बताता हूं कुछ रीजंस गाइस। पहला है फटीगनेस, आपकी जो बॉडी है वो फटीग हो चुकी है, आपने अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन किया है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वाया नर्व्स आपके मसल को सिग्नल भेजता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो वाया केमिकल। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो जब वो केमिकल आपकी बॉडी से कम हो जाता है तो सिग्नल वीक हो जाता है। एक डंडी दिखा रहा है तो क्या उस पे बैठेगा? और वही रीजन है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी शिवर करती है या आप कांपते हो। दूसरा, आप लोग कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड हो, आप लोग ने बॉडी में पानी की कमी है और आप लोग वर्कआउट के दौरान सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पी रहे हो। तो आपको वाटर कितना पीना है? आप 1 से 2 लीटर पानी आप वर्कआउट के दौरान पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज जो हमारा मसल है वो 75% इज वाटर। तो कहीं ना कहीं आपको आपके वर्कआउट के दौरान पानी पीना ही है, नो सेकेंड थॉट। तीसरा, आपने एक्सेस कैफीन कंज्यूम कर लिया है दोस्तों प्री वर्कआउट, बिकॉज एज पर द स्टडीज 400 mg तक कैफीन आप लोग कंज्यूम कर सकते हो पूरे दिन में। कहीं ऐसा ना हो आपने 400 mg इकट्ठे ही पी लिया हो वर्कआउट के 1 घंटे पहले और आपकी बॉडी शिवर करती है, होता है। तो अपना थोड़ा कैफीन पे ध्यान दें, कैफीन थोड़ा कम लें, शायद 400 में किसी को लगे किसी को ना लगे। आर यू कॉमेडी मी? 200 में भी लोगों को हिट करता है, यू नो आपकी बॉडी कांपती है, वो रश आता है, एड्रेनल रश होता है। तो वो कहीं ना कहीं रीजन है कि आपने एक्सेस कैफीन कंज्यूम कर लिया है। चौथा, लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया। गाइस, जब आपकी बॉडी का शुगर लेवल कम होता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कांपती है, शिवर करती है। आपने नोटिस भी किया होगा जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, जब उनका बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाता है तो लोग कांपते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन हो सकता है। और ऐसी मोर फिटनेस वीडियोज के लिए आप यूट्यूब में लीन बीस को सब्सक्राइब करो, प्यार करो।